हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पार्ट टू स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर टू का। इसके पहले मैंने पार्ट वन ऑलरेडी कवर कर लिया है, आपको बेसिक स्टोरी जो होती है वो पूरी एक्सप्लेन कर दी है कि क्या रीजंस थे जो हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम लोगों को इंक्लूड कर लिया गया था, जबकि हमारा तो कोई उससे कोई दुश्मनी नहीं थी किसी से भी। तो मैंने सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं और इस वीडियो में मैं आपको आगे फ्लो चार्ट के थ्रू भी एक्सप्लेन करूँगी कि कैसा क्या क्या हुआ था आगे और कैसे कैसे मूवमेंट्स चलेंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी। अब जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, जैसे आप देख सकते हैं कि नॉन कोऑपरेट मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट, दोनों को मिक्स कर लिया गया, दोनों को साथ में जोड़ लिया गया और लॉन्च किया गया। क्यों? क्योंकि हम लोग को क्या है कि जो सिविल सॉरी जो कोऑपरेटिव मूवमेंट था नॉन कोऑपरेट मूवमेंट, ये कुछ ही एरिया में लिमिटेड था, सारे एरिया में नहीं था ये। तो इसलिए गांधी जी ने सोचा कि अगर हिंदू एंड मुस्लिम दोनों साथ में आगे आगे आएंगे और इस के अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हम लोग कोई मूवमेंट लॉन्च करेंगे तो ज़्यादा उन लोग पे असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग हैं, हम लोग अगर यूनाइट हो जाएंगे तो काफ़ी असर पड़ सकता है उन पर और वो हर एक एरिया में भी पहुँचेगा। तो इस वजह से ऐसा सब कुछ हुआ। अब क्या हुआ कि जैसे ही ये दोनों मूवमेंट को लॉन्च कर दिया गया इनको साथ में मिला के, तो अब आप देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, अब दूसरे सिटीज़ में, टाउन्स में और डिफरेंट सेक्टर्स में क्या क्या इसका प्रभाव पड़ता है। तो जैसे ही इन दोनों मूवमेंट को साथ में लॉन्च किया गया, तो जैसे हम देखते हैं द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921। अब ये जो दोनों को मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था, द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, दोनों को मिक्स करके जब ये स्टार्ट किया गया, ये क्या जनवरी 1921 में इसको स्टार्ट कर दिया गया था। डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड, डिफरेंट ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया था। जैसे आप देखेंगे कि प्रीजेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, डिफरेंट लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहला देखते हैं हम द मूवमेंट इन टाउन्स, टाउन्स में क्या हुआ, अब इस मूवमेंट का क्या असर पड़ा टाउन्स में। तो स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स, स्टूडेंट जो थे जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते थे, जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी उन स्कूल में पढ़ते थे, वो सारे छोड़ दिए गए। और कॉलेजेस में भी जो पढ़ते थे गवर्नमेंट कंट्रोल, वो भी स्टूडेंट्स ने छोड़ दिए। हेड मास्टर्स एंड टीचर्स रिजाइन, जो भी हेड मास्टर्स थे और टीचर्स थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। किस चीज़ के लिए? कि हम अगेंस्ट पे हम बायकॉट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के लिए, हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट पे क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो हम हर चीज़ से जो भी उन्होंने प्रोवाइड किया हम हर चीज़ को हम बंद कर देंगे। काउंसिलिंग इलेक्शंस वर बायकॉटेड। उस टाइम पे क्या है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि काउंसिल के इलेक्शंस होते थे, तो सबने डिसाइड किया कि हम काउंसिल के इलेक्शन में भी नहीं बैठेंगे। फॉरेन गुड वी आर बायकॉटेड, फॉरेन गुड्स थे जो जो भी सामान आता था उस टाइम पे फॉरेन से, वो सारा सामान भी बायकॉट कर दिया गया था कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, खरीदेंगे फॉरेन से। लिक्विर शॉप्स पिकेटेड, क्या है कि जो शॉप थी उनके ऊपर भी पिकेटिंग स्टार्ट हो गई, मतलब कि उनके पास में, उन शॉप के पास में खड़े हो गए और लोगों से कहा कि इधर से सामान मत खरीदिए, जो जहाँ से ड्रिंक वगैरह खरीदे थे उधर से लोगों ने खड़े होकर बोला कि इधर से मत खरीदिए, इधर पे हम फॉरेनर्स के होते हैं, ये सारी चीज़ें उनको अवेयर करने लगे। और ये था टाउन्स में, कि टाउन्स में क्या क्या हुआ था। अब हम आगे बढ़ते सिटीज़ में, सिटीज़ में इसका क्या था, सिटीज़ में रीज़न क्या था, सिटीज़ में ये मूवमेंट था धीरे धीरे करके स्लो हो रहा था। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे करके लोगों की एक एनर्जी थी या रिजल्ट था वो नहीं मिला उनके लिए। तो जैसा है कि लोगों ने क्या है कि फॉरेन गुड्स के लिए उन लोगों ने बायकॉट कर दिया, तो मतलब क्या है कि हम फॉरेन के क्लोथ्स भी नहीं पहनेंगे। तो खादी के क्लोथ उस टाइम पे बहुत महंगे आते थे, आज भी महंगे आते हैं नॉर्मल क्लोथ से, तो हर इंसान खादी का क्लोथ उस टाइम पे नहीं पहन सकता था क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। फिर स्कूल्स में बच्चों ने जो रिज़ाइन किया था, मास्टर्स ने जो रिज़ाइन किया था, टीचर्स ने रिज़ाइन किया था, वो भी एक टाइम के बाद ज्वाइन करने लगे थे। क्यों? क्योंकि वो भी इतना ज़्यादा गैप नहीं कर सकते थे अपनी एजुकेशन में, या लोग के पास सिर्फ खाने के लिए या अर्न करने के लिए कुछ जरिया नहीं होगा, तो वो कहाँ तक कोई भी मूवमेंट के लिए स्टार्ट कर सकते हैं, आगे तक बढ़ सकते हैं। तो धीरे धीरे करके लोगों ने भी अपनी चीज़ों को स्कूल्स के लिए, अपने कॉलेजेस के लिए, अपने जो भी चीज़ें थी, उनकी जॉब्स थी, उनको सबको फिर से स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको खाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए पैसा चाहिए था, तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो सिटीज़ में ये धीरे धीरे करके डाउन होने लगा। अब हम बात करते हैं कंट्री साइड की, कि अब अगल बगल कंट्री साइड में क्या अफेक्ट होता। तो प्लीजेंट्स एंड ट्राइब्स भी क्या रोल, मतलब कि मूवमेंट को स्टार्ट करने लगे और भी उनमें भी बहुत ज़्यादा जोश आ गया। अगर हम अवध की बात करते हैं, तो बाबा राम चंद्र लीड द प्लीजेंट मूवमेंट इन अवध। तो इन्होंने प्लीजेंट मूवमेंट को स्टार्ट किया था अवध में, अगेंस्ट द तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स, इन लोगों ने तालुकदार और लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट पे ये किया था। इसका रीज़न क्या था इस मूवमेंट को स्टार्ट करने का, जो प्लीजेंट्स ने स्टार्ट किया था, कि जो इतना ज़्यादा रेवेन्यू ले रहे थे उनके पास उतना ज़्यादा उपज भी नहीं थी, हम कह सकते हैं जो उतना तो वो उगा नहीं पा रहे थे जितना ज़्यादा उनको टैक्स देना पड़ता था। तो उस टैक्स को कम करने के लिए, उस रेवेन्यू को कम करने के लिए इन लोगों ने ये स्टार्ट किया था।
अब इसने क्या बेगर भी हो रहा था, मतलब क्या होता है कि जो प्लीजर्स होते हैं उनके लिए काम काम करते तो उनके लिए क्या है कोई भी पेमेंट नहीं होती, तो उस चीज के अगेंस्ट भी ये लोग क्या कर रहे थे, इस चीज के अगेंस्ट भी ये लोग क्या मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया था। अब क्या क्या रीजंस थे, ये जो मूवमेंट चल रहा था जो मैंने आपको बताया कि डिफरेंट, अब तो ये दोनों मूवमेंट को साथ में कर दिया था, हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी भी हो गई थी, लेकिन फिर भी क्या रीजंस थे कि इसको गांधी जी ने विदड्रॉ कर लिया था। जैसे आप देखेंगे धीरे धीरे करके इन फेब 1922 बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, क्या विड्रॉ क्यों किया फॉलोइंग रीजन की वजह से। पहला चीज तो चोरा चोरी इंसिडेंट हो जाता है। चोरा चोरी इंसिडेंट मैं आपको बता दूं इसमें क्या होता है। चोरा चोरी इंसिडेंट में क्या होता है, कुछ लोग जो है अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ये लोग क्या कर रहे होते हैं कि मूवमेंट को चला रहे होते हैं चोरा चोरी एक गांव में। उधर पे जब ये इंसिडेंट चल रहा, मतलब कि ये मूवमेंट चल रहा होता है, तो ब्रिटिशर्स का क्या होता है कि जो आते हैं वो इन लोग के लिए क्या है, कैसे भी करके दबाने की कोशिश तो करेंगे, इस मूवमेंट को कम करने की कोशिश तो करेंगे, तो वो क्या करने लगते हैं इन लोगों के लिए मारने लगते हैं। जो भी लोग उधर पे ये मूवमेंट चला रहे होते तो उनको मारने लगते हैं। तो लोगों को ये लगता है कि हम तो अभी तक मतलब कि कुछ भी आपके साथ गलत नहीं किया, ब्रिटिशर्स के साथ हमने मारा भी नहीं ब्रिटिशर्स के लिए, लेकिन फिर भी ये लोग हमको क्यों मार रहे हैं, हम तो नॉन वायलेंस का मूवमेंट स्टार्ट करा है इन लोगों ने। तो और उधर पे लीडर्स को बहुत मारा जाता है बाय ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो लोगों में बहुत गुस्सा आता है, तो लोग क्या करते हैं पलट के उनपे वार करते हैं और पुलिस स्टेशन में, उनके पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं और उन लोगों को उन ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स के लिए उठा के उस आग में फेंक देते हैं। तो जब गांधी जी को ये चीज़ पता चलती है तो उन्हें काफी चीज इस चीज़ का दुख होता है, उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों में अभी भी समझ नहीं है कि आखिर नॉन वायलेंस या सत्याग्रह का मतलब क्या है। उन्होंने ये कहा था कि हम कभी भी कुछ भी हो जाए हम किसी पे भी हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन इस चोरा चोरी इंसिडेंट में क्या हो गया था कि लोगों ने बहुत ही बदसलूकी से उन लोगों को उठा के जला दिया गया था उन पुलिस ऑफिसर्स के लिए, तो इस चीज़ में गांधी जी को काफी खराब लगा। तो चोरा चोरी इंसिडेंट था। दूसरी चीज जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉपर ट्रेनिंग, मतलब गांधी जी को ये लगा कि अभी सत्याग्रह का इनको मतलब पता नहीं है, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी तब जाके समझ पाएंगे कि आखिर सत्याग्रह होता क्या है, फिर ये लोग क्या है एक नया मूवमेंट को हम लॉन्च कर पाएंगे। हम जो भी मैंने अभी तक आपको स्टोरी समझाई है उसका मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ क्या क्या होता है। तो साइमन कमीशन के पहले मैं आपको पूरा बता देती हूँ स्टार्टिंग से लेके एंड तक के क्या क्या होने वाला है, एक बेसिक स्टोरी की जैसे अगर आप इसको समझेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से ये समझ में आ जाएगी। तो पहला क्या है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है उसमें दो उसमें काफ़ी कंट्रीज एक दूसरे लड़ रही होती हैं। क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे एक दूसरे को अपनी मिलिट्री पावर दिखानी पड़ती है कि हम तुमसे ताकतवर हैं, हम तुमसे ताकतवर हैं, उस चीज़ में इन लोग इसकी इन सबकी लड़ाई होती है। तो उस टाइम पर क्या है, ब्रिटिश जो थी कंट्रीज थी वो इन्वॉल्व थी इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की लड़ाई में। तो उन्होंने जब इनकी लड़ाई हुई तो ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर कंट्रोल करते थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ इंडिया भी इस वॉर में लड़ेगा। तो इंडिया के लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि हमने हमारी तो कोई मतलब आपने पूछा भी नहीं हमसे और हमारे तो कोई इससे मतलब भी नहीं था इस वॉर से, तो आपका आपने हमें इसमें इन्वॉल्व क्यों किया। बट फिर भी कुछ ग्रेट लीडर्स थे जैसे हमारे महात्मा गांधी हो गए और बाकी लीडर्स थे, उन्होंने ये सोचा कि चलो हम इन लोग की मदद कर देते हैं ब्रिटिशर्स की, शायद ही हमें कुछ ऐसा एक्ट दे देंगे या शायद हमें कुछ ऐसा लॉ दे देंगे या हम लोग की इंडिया पे जो राज करते हैं लोग छोड़ के चले जाएंगे, हम लोग का काम देख के हम इनकी मदद करेंगे। तो बट ऐसा नहीं होता है। इंडिया में उस टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आई थी, जैसे खाने पीने में भी काफ़ी दिक्कत आ रही थी उस टाइम पे, एपिडेमिक भी फैल चुका था, कॉप क्रॉप का फेलियर भी हो चुका, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आ रही थी, बट स्टिल इंडिया ने उनका साथ दिया। इस जैसे इंडिया ने उनका साथ दिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो उन्होंने क्या दे दिया, द रॉयल एक्ट दे दिया। ये यूजलेस एक्ट होता है, मतलब जैसा मैंने आपको बताया ना, इंडिया वाले सोच रहे थे कि शायद ही हमें ऐसा एक्ट दे देंगे या लॉ दे देंगे जिससे शायद हमारी काफ़ी पकड़ हो जाएगी इंडिया पे या ये हम लोग को छोड़ के चले जाएंगे, तो ऐसा तो कुछ नहीं होता और इतना खराब लॉ दे देते हैं जो कुछ यूजलेस ही लॉ होता है। तो उस लॉ के अगेंस्ट पे फिर गांधी जी को काफ़ी गुस्सा आती है, वो सत्याग्रह मतलब नॉन कॉपरेट मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। उसके अगेंस्ट काफ़ी रिप्रेशन भी आता है, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी भी होती है, जलियांवाला बाग में काफ़ी लोगों को मार दिया जाता है, एक एग्जिट का डोर होता है जिसको बंद कर दिया जाता है और ओपन फायर अनाउंस की जाती है जिसमें काफ़ी लोग मर जाते हैं, आधे लोग कुएं में कूद जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। जलियांवाला बाग के बाद क्या होता है कि जैसे ही गांधी जी को ये सारी चीज़ें पता पड़ती हैं, उन्हें ये लगता है कि जो नॉन कॉपरेट मूवमेंट है अभी भी स्टिल काफ़ी एरिया में अनटच्ड रहेगी, मतलब कि काफ़ी एरिया में लोगों को पता नहीं है कि नॉन कॉपरेट मूवमेंट आकर है क्या और हमें ऐसा करना क्या है। तो उन्होंने क्या सोचा कि अगर हमें एक बहुत बड़ी यूनिटी चाहिए है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट पे, तो हमें मुस्लिम और हिंदू को दोनों को साथ में इकट्ठा लेके आना पड़ेगा। तो खिलाफत उस टाइम पे खिलाफत और नॉन कॉपरेट मूवमेंट को दोनों को ज्वाइन करके एक और नया मूवमेंट स्टार्ट कर दिया गया था, खिलाफत नॉन कॉपरेट खिलाफत मूवमेंट, जैसा मैंने आपको जो इस वीडियो में मैं पढ़ाया है। तो जो खिलाफत मूवमेंट था मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या होता है
कि जो टर्की था उस पे भी, ऑटोमन टर्की था उस पे भी क्या है कि लड़ाई में वो इन्वॉल्व था। जैसे वो हार जाता है तो उसकी पावर जो होती है, खलीफा की जो पावर होती है जो मुस्लिम्स मानते हैं उनके लिए, उनकी पावर छीन ली जाती है और उनके ऊपर अनजस्टिस लॉ उनके ऊपर लगा दिए जाते हैं। इससे मुस्लिम्स काफ़ी ज़्यादा बहुत अनहैप्पी होते हैं कि हमारे जो खलीफा हैं उनके साथ ऐसा क्यों किया गया। तो इसलिए मुस्लिम के साथ ऐसा ये एक्ट लॉन्च कर दिया गया, दोनों लॉन्च कर दिए गए कि उनको उनकी पावर दे दी जाए उनके खलीफा के लिए, और नॉन कॉपरेट मूवमेंट से हमारा भी इंडिया आज़ाद हो जाए। तो इसलिए ऐसा लॉ स्टार्ट हो गया, लॉ ये सारा मूवमेंट स्टार्ट हो गया। जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट होता है, मूवमेंट स्टार्ट होने के बाद क्या होता है, कुछ समय बाद ये विड्रॉ कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि काफी टाइम तक कुछ रिजल्ट भी नहीं आता हमारे हाथ में। दूसरी चीज ये होती है कि जैसे बायकॉट कर देते हैं हम लोग, कि हम लोग शॉप मतलब कि इनके कोई भी कपड़े नहीं पहनेंगे या जॉब पर नहीं जाएंगे, तो वो चीज़ एक लिमिट तक ही पॉसिबल थी, उसके बाद वो पॉसिबल नहीं थी। और दूसरी चीज़ ये थी कि काफ़ी नॉन वायलेंस भी फैलने लगा था, तो गांधी जी को ये लगा कि अभी लोग ट्रेंड नहीं है, तो इसलिए अब मुझे विड्रॉ कर लेना चाहिए। विड्रॉ करने के बाद कुछ समय बाद साइमन कमीशन आएगी। साइमन कमीशन के बाद क्या होता है, साइमन कमीशन क्या होता है, ये इंडिया के लिए होती है साइमन कमीशन, कि इंडिया में जो लॉज हम पास कर रहे हैं, जो ब्रिटिश लॉ पास कर रहे हैं, और तो वो कैसे हैं, सच में कुछ काम कर रहे हैं, या कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो है इंडिया का वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उस चीज़ को देखने के लिए ये साइमन कमीशन बनी हुई थी, ये अपनी एक रिपोर्ट तैयार करती कि आखिर कैसा क्या इंडिया में चल रहा है। तो लोगों को इस पे काफी गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि जब आप इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम चेक करने आ रहे हो, इंडिया के लिए जब आप लॉ बनाने के लिए आ रहे हो नए नए, तो आपको इसमें इंडिया के लोगों को रखना चाहिए, वो तो प्रॉब्लम बता पाएंगे, बट इसमें जितने भी लोग थे वो सारे ब्रिटिशर्स थे। तो इसके अगेंस्ट फिर से एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, फिर आगे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट होगा, वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। पहले मैं आपको साइमन कमीशन बता देती हूँ। इट वॉज मेड अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर बनाया गया था। द कमीशन वॉज मेड टू लुक इन टू द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट द चेंजेस। क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम था वो अच्छे से वर्क कर रहा है इंडिया का या नहीं कर रहा है, और अगर कोई भी चेंजेस करने हैं तो वो सजेस्ट कर सकेगी ये कमेटी ब्रिटिशर्स के लिए। ऑल द मेंबर्स इन द कमेटी वेयर ब्रिटिश, जितने भी मेंबर्स थे जैसे मैंने आपको बताया सारे फॉरेनर्स थे, सारे ब्रिटिशर्स थे। 1928 में ये लोग अराइव किए इंडिया में, साइमन कमीशन के लोग। गो बैक साइमन से इनका नारा लगाया गया। क्यों मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसमें सारे जो थे ब्रिटिशर्स ही थे, इंडिया का कोई भी इंसान नहीं था इसमें जो उनको सजेस्ट कर पाता चेंजेस। नेक्स्ट चीज़ है, जब आप इंडिया के लिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, चेंजेस करने के लिए आ रहे हो या कुछ भी चीज़ें करने के लिए आ रहे हो, तो इसमें इंडिया के लोग इन्वॉल्व होने चाहिए, क्योंकि आप इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे या इंडिया में कुछ भी लॉ पास करोगे तो वो इंडिया के लिए है। तो आपको क्या करना चाहिए, इंडिया के लोगों को उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। तो ये सारी फॉलोइंग रीजन थी जिसमें से साइमन कमीशन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगती है वीडियो में, ऑडियो में, या मेरे एक्सप्लेन करने के तरीके में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको इम्प्रूव करने की ज़रूर कोशिश करूंगी।